ये कहना कि जहेज़ हिंदुओं की रस्म है, ये बिल्कुल गलत है, बल्कि ये एक तोहफ़ा है जो वालिद अपनी औलाद को देता है, बाप या माँ अपनी बेटी को देते हैं कि वो घर जा रही है तो हम उसको कुछ चीज़ें ऐसी दे दें जो उसके काम आए। बेटी अपने माँ बाप के पास रहती है, माँ बाप उसका सारा ख़र्चा उठाते हैं और उसके कपड़े और उसकी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी, बिस्तर, बेडरूम और जो कुछ है वो माँ बाप बना कर देते हैं। फिर जब लड़की जा रही होती है तो माँ बाप के दिल पर असर होता है कि भाई लड़की अब हमारे घर से जा रही है और अब उसको वो उसको शौहर की मोहताज होगी, अब तक तो हमने उसको सब चीज़ें दे रखी थी। तो वो अपनी बेटी को कुछ तोहफा दे देते हैं, बिस्तर दे देते हैं, चादर दे देते हैं, कुछ कपड़े दे देते हैं या बर्तन दे देते हैं ताकि आइंदा ज़िंदगी गुजारना उसके लिए आसान हो जाए। और ये आज से नहीं है बल्कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और इस पर काफ़ी मवाद भी फतावा में मौजूद है जो इस वक्त में मेरी नज़रों के सामने नहीं है, लेकिन बेशती ज़ेवर में भी कुछ थोड़ी बहुत तफसील लिखी हुई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को रुख्सती के मौके पर क्या क्या दिया था। और आपने हज़रत आयशा हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से फ़रमाया कि भाई फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें बच्ची के लिए तैयार करके दे दो। तो बच्ची को जो जहेज दिया जाता है वो उसके माँ बाप की तरफ से तोहफ़ा होता है और वो बच्ची की मिल्कियत होती है, और चूँकि वो बच्ची की मिल्कियत होती है इसलिए वो बच्ची के शौहर यानी दामाद और ससुर का की मिल्कियत नहीं होती और दामाद और ससुर का उसमें तसर्रुफ़ का कोई शरी हक भी नहीं होता। माँ बाप अपनी बेटी को देते हैं ख़ास तौर पर जहेज़, वैसे और भी कुछ तोहफे दामाद को दिए जाते हैं तो वो देना चाहें दें, ना देना चाहें ना दें, और दामाद को जो तोहफे दिए जाएं तो वो उसे इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जो तोहफे लड़की के माँ बाप लड़की को बतौर जहेज़ के देते हैं वो तोहफ़ा होता है लड़की का और वो लड़की की मिल्कियत होता है, और उसका दामाद से और ससुर से और लड़की के ससुराल से कोई ताल्लुक नहीं होता। इसीलिए लड़की के ससुराल वालों को ये हक़ नहीं है कि वो लड़की के माँ बाप से मुतालबा करें कि तुम जहेज़ के अंदर अलमारी भी देना और फ्रिज भी देना और लड़के के लिए मोटरसाइकिल भी देना। इस तरह का मुतालबा बिल्कुल नाजायज़ है, गुनाह है, और इसका मानना कोई ज़रूरी नहीं है। और दामाद को या दामाद के घर वालों को इस किस्म के जहेज़ का मुतालबा करना शरअन गुनाह है और बदअख़लाक़ी है, बल्कि मैं समझता हूँ कमीनगी की अलामत है। हमारे बुज़ुर्ग थे हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह ख़ान साहब क़द्दस अल्लाहु सिर्रहु, तो उन्होंने एक मरतबा फरमाया कि माँ बाप ने अपनी बच्ची को पाला पूसा और पली पलाई बच्ची जिसको 18 साल तक उन्होंने पाला था और जवान किया था तो वो तुम्हारे हवाले कर दी, अब उसके बाद तुम्हें और क्या चाहिए। 18 साल तक उन्होंने उस बच्ची की परवरिश की, उस पर मुसलसल ख़र्चा किया, उसको मोहब्बत से अपने घर में रखा और कभी भी उसके साथ कोई बुरा मामला नहीं किया। अब माँ बाप जो हैं वो बच्ची शौहर के हवाले कर देते हैं महज इसलिए कि एक नई ज़िंदगी की इब्तिदा हो और निकाह की सुन्नत बाकी रहे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि दामाद उनकी लड़की के ऊपर जुल्म करे या मज़ीद मुतालबा करे कि तुमने पली पलाई लड़की दी है, 18 साल तुमने पाला है, अब मुझे भी पालो और मुझे भी तुम जहेज़ की चीज़ें दो। ऐसा मुतालबा बिल्कुल नाजायज़ है। तो इसलिए ये जहेज़ लड़की का हक़ है, इसमें दामाद का या दामाद के वालदैन का कोई किसी किस्म का कोई हक़ नहीं बनता और ना उनके लिए ये मुतालबा करना जायज़ है। ये आजकल हमारे यहाँ मुसीबत खड़ी हो गई है कि लड़की भी दी जाती है
और लड़की जब दी जाती है तो लड़के के वालदैन और लड़का जो है वो हरीस होते हैं, लालची होते हैं, कमीने होते हैं, तो वो ये उम्मीद रखते हैं कि लड़की भी आए तो हमारे लिए चीज़ें लेकर आए। तुम्हारे लिए क्यों चीज़ें लेकर आए? वो माँ बाप ने उसको चीज़ें दी हैं अपनी मोहब्बत से दी हैं, और माँ बाप जो अपनी बेटी को चीज़ें देंगे वो बच्ची की मिल्कियत होंगी, उसका दामाद से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। इसलिए दामाद का और दामाद के वालदैन का जहेज़ का मुतालबा करना बिल्कुल गुनाह है, नाजायज़ है, कमीनगी की अलामत है, और हर शरीफ आदमी को इससे बचना ज़रूरी है। बल्कि हमारे यहाँ तो जब शादी होती है तो हम लोग जब अपने मैंने अपने बेटे की शादी की, एक बेटे की भी शादी की, दूसरे की भी शादी की, अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे की भी शादी की, तो मैंने लड़की वालों से यही कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में सारी चीज़ें मौजूद हैं और आपने पली पलाई लड़की दे दी और सब मोहब्बत से उसको पाला, अब हमारे हवाले कर दिया, तो अब हम उसका ख़र्चा बर्दाश्त करेंगे, आपको जहेज़ के नाम पर कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो अपनी मोहब्बत से अपनी बेटी को कुछ चीज़ देना चाहते हैं। हमने कहा ठीक है, मैं फिर जगह उसके लिए बना देते हैं, आप जो अपनी बेटी को चीज़ देना चाहें वो दे सकते हैं। चुनाचे वो जो चीज़ें हैं वो बेटी उसी बेटी के कमरे में रख दी जाती हैं, यानी हमने अपनी बहू के कमरे में रख दी और वो उसको इस्तेमाल करती हैं, और हम ईमानदारी से ये समझते हैं कि इस पर कोई हमारा हक नहीं है, बल्कि ये बच्ची की मिल्कियत है। तो इसलिए ये मुतालबा करना कि लड़की भी दी जाए और जहेज़ भी फला जहेज़ में भी फला फला चीज़ दी जाए, ये बड़ी कमीनगी की बात है, बदअखलाकी की बात है। इसी के बिलमुकाबिल एक और तबका है जो आजकल पैदा हुआ है और वो जहेज़ का मुखालिफ है, और वो ये कहते हैं कि जहेज़ जो है वो बिल्कुल नहीं देना चाहिए और जहेज़ देना जो है वो हिंदुओं की रस्म है, जैसे कि आपने लिखा है, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। और ये बात मानना जो है ये भी लड़की के वालदैन के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए, मैं अगर अपनी लड़की को कोई चीज़ देना चाहूँ तो क्या किसी को ये हक़ है कि वो मुझे मना करे कि तुम अपनी लड़की को तोहफ़ा मत दो? बिल्कुल इसी तरीके से माँ बाप अगर अपनी बेटी को उसके निकाह के मौके पर जहेज़ के नाम से कोई तोहफ़े दें तो लड़के वालों को ये हक़ नहीं है कि वो ये मुतालबा करें कि हम नहीं लेंगे। भाई आप नहीं लोगे तो आपको दे कौन रहा है? अगर लड़के के लड़का ये कहे, ये लड़के के वालदैन ये कहे कि हम जहेज़ नहीं लेंगे, तो वो कौन होते हैं जहेज़ से इनकार करने वाले? माँ बाप उसको दे ही नहीं रहे, वो तो अपनी बेटी को दे रहे हैं। और लड़के को, लड़के के माँ बाप को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो सिले रहीमी से रोके और किसी लड़की के माँ बाप को तोहफ़े देने से या हदिया देने से उन्हें मना करें। मेरे पास एक दो मरतबा, बल्कि एक दो मरतबा से ज़ायद मरतबा फ़ोन आया और तहरीर आई कि जी हम मना करना चाहते हैं लड़की के वालदैन को कि वो कोई चीज़ ना दें। मैंने कहा भाई तुम कैसे मना कर सकते हो? अगर लड़की के वालदैन अपनी बेटी को कोई तोहफ़ा देते हैं तो तुम कौन हो रोकने वाले? और तुम भी कैसे समझ रहे हो कि वो चीज़ तुम्हें दी जा रही है? तुम तो उसके मालिक ही नहीं हो, ना तुम उसको कबूल करने के हाल हो, ना उसको रोकने के हाल हो। हाँ ये कह सकते हो कि भाई अल्लाह ताला का दिया हुआ हमारे घर में सब कुछ है और हम इस बच्ची का पूरा ख्याल रखेंगे और जो कुछ चीज़ें आप देना चाहते हैं वो हम खुद मुहैया कर देंगे, आप फिक्र ना करें। लेकिन अगर लड़की वाले इसरार करते हैं कि नहीं, हम तो अपनी बेटी को तोहफ़ा देंगे, हम तो अपनी बेटी को जहेज़ देंगे, हम तो अपनी बेटी को सोने का लॉकेट बना के देंगे, हम तो अंगूठी देंगे, हम तो दो चार जोड़े उसको देंगे, तो वो अपनी बेटी को दे रहे हैं, तो उस बेटी के शौहर को, नंदों को और जेठ को और देवरों को और सास और ससुर को कैसे ये हक़ हासिल है कि वो लड़की को मना करें कि तुम अपने माँ बाप से कोई तोहफ़ा कबूल मत करो? ये तो क़त रही में दाखिल होगा
और इस्लाम सिले रहमी का हुक्म देता है, क़त रहमी की इजाज़त नहीं है। इसीलिए लड़के के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपनी बीवी को अपने माँ बाप उसके माँ बाप से मुलाकात से रोके, लड़की को ये कहे कि तुम अपने माँ बाप से मत मिलो। इसी तरह लड़के के लिए ये भी जायज़ नहीं है कि वो अपने सास ससुर से कहे कि तुम अपनी बेटी से मिलने ना आया करो, या भाइयों से कहे कि तुम अपनी बहन से मिलने ना आया करो। ये तो क़त रहीमी है जो गुनाह कबीरा है और हराम है, और लड़के को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो क़त रहीमी करे और सिले रहीमी से रोके। तो जिस तरह माँ बाप आकर अपनी बेटी से मिल सकते हैं, बहन भाई अपनी बहन से मिल सकते हैं, इस तरह माँ बाप और बहन भाई अपनी बेटी को अपनी बहन को अगर कोई तोहफ़ा देना चाहें तो शौहर और उसके घर वाले उसको नहीं रोक सकते और इसकी इजाज़त नहीं है।